या आपकी मेन एंट्री लेने का, एक होटल होता है ना, जो से आपने देखा कि होटल में जाता है कि लाइन वाइज कमरे बने होते हैं, यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर काफी डिवाइडेड फ्लैट है, तो लाइन वाइज आपके जो है सारे अलग अलग फ्लैट सारे के सारे फ्रंट साइड के रहने वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट नितिन में। दोस्तों आज फिर से हाजिर हो गए हैं आपकी सेवा में एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों आज जो मैं प्रॉपर्टी आपको दिखाने वाला हूँ ना, इतने कम बजट में आपको 60 गज में बना हुआ 2BHK फ्रंट साइड का, 60 गज में 2BHK फ्रंट साइड का आपको, और इतने कम बजट में, जो बजट मैं आपको बताने वाला हूँ पूरे मोहन गार्डन में आपको ऐसा फ्लैट देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों आपका भाई आपके लिए जो फ्लैट हमेशा लेके आता है, कोशिश करता है एक से एक लग्जरी आपको जो है फ्लैट दिलवाए इंडिपेंडेंट हाउस। तो जैसे कि आप देखते हैं कि मैं आपको जो है अपनी वीडियो पर दिखाते रहता हूं, तो आज मैं जो 2BHK आपको दिखाने वाला हूं मोहन गार्डन की, हमेशा की तरफ से जो है इसकी लोकेशन रहेगी। मेट्रो की अगर बात करूँ तो दोस्तों मेट्रो जो है यहाँ से नियर बाई द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन रहने वाला है, और डिस्टेंस की बात करूँ तो 1 से 1.25 किलोमीटर का डिस्टेंस, यानी 1.2 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन का आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों फ्रंट साइड का जो है ये 2BHK आपको देखने को मिलेगा, इसमें 2 बेडरूम है, 1 हॉल आपको मिलेगा और उसके बाद 1 किचन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। काफ़ी लग्जरी आपका जो है ये जो फ्लैट है वो रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको जो है लिविंग एरिया दिखा रहा हूँ, ये हमारा लिविंग एरिया दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सोफा सेट हमने जो है एल कॉर्नर जो है प्लेस कर रखा है। कई लोग कहते हैं कि यार जगह बहुत छोटी है, यहाँ पर सोफा सेट कैसे आएगा, तो ये चीज़ जो है आपको दिखाने के लिए यहाँ पर की गई है कि यहाँ पर काफ़ी स्पेशियस आपका जो है ये लिविंग एरिया रहने वाला है। और दोस्तों अगर इसके डायमेंशन की बात करूँ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी जो डिटेल मेंशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा लिविंग एरिया आपका बेडरूम किचन बाथरूम सबका जो साइज़ आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा लिविंग एरिया है, काफ़ी आप देख रहे हैं कि गोल्डन ग्लास का वर्क आपको पूरे लिविंग एरिया के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्प्लिट एसी का प्रोविज़न दिया गया है, और इस साइड में देख रहे हैं छोटे छोटे शेल्फ बनाए गए हैं जिसमें आपके जो है एंटिक पीस सजाए गए हैं जो कि आपके इस एरिया को और भी खूबसूरत बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जहाँ हमारा सोफ़ा सेट रहने वाला है उसी के अपोजिट हम देखेंगे तो यहाँ पर टीवी पैनल हमारा जो है ये देखने को मिलेगा। किचन के बिल्कुल बराबर में आपका टीवी पैनल रहने वाला है। यहाँ पर भी छोटे छोटे एंटीक आइटम आप देख रहे हैं यहाँ पर सजाए हुए हैं, ये आपकी जो है एंट्री किचन की रहने वाली है। यहाँ पर भी आपको जो है एंटीक पीस जैसे कि आप देख रहे हैं सजाए हुए, काफ़ी अच्छी डेकोरेटेड यहाँ पर आइटम यहाँ पर लगाई गई है। इस फ्लैट को काफ़ी अच्छी खूबसूरती से जो है निखारा गया है, सेंटर टेबल भी है, सोफ़ा सेट भी है, और उसके बाद भी काफ़ी स्पेस चारों तरफ इस लिविंग एरिया में रह जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है कॉमन वॉशरूम रहने वाला है, ये हमारा कॉमन वॉशरूम है, काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश पॉट आपको यहाँ पर लगी हुई मिलेगी, उसके बाद आपको यहाँ पर वॉश बेसिन यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा, ब्रांडेड कंपनी के सैनिटरी फीचर्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। इस साइड में वो टाइल कवर आप देख रहे हैं, गुड लुकिंग स्टाइल आपको जो है काफ़ी अच्छी विट्रीफाइड स्टाइल में आपको जो है टाइल कवर यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी लुक जो है इस बाथरूम की भी निकल के आ रही है। यहाँ पर 2 शेल्फ तैयार किए गए हैं, छोटे छोटे LED फोकस लैंप लगाए गए हैं जिससे कि आपके बाथरूम की लुक है जो वो अलग से निखर के आती है। और यहाँ पर आपके जो डिजाइनर डोर रहने वाले वो देखें, इसकी हाइट देख रहे हैं काफ़ी हाइट इसकी रहने वाली है। हाइट की अगर बात करूँ दोस्तों 9 फुट की समथिंग इसकी हाइट रहने वाली है। ये हमारा मेन डोर है, यहाँ से जो हमारी मेन एंट्री रहती है या आपकी मेन एंट्री रहने वाली, एक होटल होता है ना जो से आपने देखा कि होटल में जाता है कि लाइन वाइज कमरे बने होते हैं, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर काफ़ी डिवाइडेड फ्लैट है, तो लाइन वाइज आपके जो है सारे अलग अलग फ्लैट सारे के सारे फ्रंट साइड के रहने वाले हैं। सबसे अच्छी बात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर लिविंग एरिया का हम जो है यहाँ पर फॉल सीलिंग देख लेते हैं, काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव आपको जो है यूनिक स्टाइल में अट्रैक्टिव फॉल सीलिंग यहाँ पर मिलेगी। आपको देख रहे हैं काफ़ी डिजाइनर यहाँ पर फैन लगा हुआ आपको मिलेगा, फिर इसमें जो है LED बल्ब यहाँ पर लगाए गए हैं, तो काफ़ी अच्छा जो है इस लिविंग एरिया को निखारा गया है। उसके बाद दोनों जो हमारे बेडरूम है वो बालकनी के साथ अटैच रहने वाले हैं, एक बेडरूम जो है हमारा मास्टर बेडरूम रहने वाला है, दूसरा जो हमारा कॉमन बेडरूम रहने वाला है। उससे पहले मैं आपको किचन दिखा देता हूँ। किचन देखेंगे तो यहाँ पर बहुत एक यूनिक स्टाइल में जो है किचन तैयार की गई है। आप देख रहे हैं पूरी की पूरी किचन जो है आपकी पूरी पूरी ट्रांसपेरेंट रहने वाली है, और इसमें अगर आप देखेंगे अंदर की साइड में तो टफन ग्लास का वर्क, इस साइड में आपको टफन ग्लास का वर्क शेल्फ के तौर पे यहाँ पर जो है लगाया गया है, और इसमें छोटे छोटे LED फोकस लैंप लगाए गए हैं जिससे कि आपके किचन के अंदर के पोर्शन में रोशनी रहने वाली है। पूरी लिफ्ट आपकी पूरी किचन आपकी ट्रांसपेरेंट रहने वाली है दोस्तों, काफ़ी अच्छा जो है इसमें गोल्डन ग्लास का वर्क आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मार्बल का वर्क आपको जो है डबल डबल स्लैब यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे सारे ड्रॉर्स यहाँ पर दिए गए हैं, काफ़ी देख रहे हैं इसमें जो काम जो है बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पर दोस्तों। सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर किचन में जो एक नॉर्मल इंसान को चाहिए होती है वो सारी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर सैनिटरी फीचर आप देख रहे हैं कि अभी इंस्टॉल्ड होना बाकी है जो कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये फ्लैट जो है बिल्कुल बनकर तैयार मिल जाता है आपको। बस यहाँ पर सिंक भी आपको यहाँ पर लगा मिल जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा मास्टर बेडरूम। तो दोस्तों ये है हमारा मास्टर बेडरूम।
आप देखेंगे कि इसका भी साइज काफी अच्छा होने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में साइज चेक कर सकते हैं आप, इसका जो है साइज भी काफी अच्छा रहने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं डबल बेड हमने यहाँ पर प्लेस किया है, उसके बाद भी यहाँ पर साइड जो कॉर्नर है उस साइड में आपको भी काफी स्पेस देखने को मिलेगा। बैक साइड में इसमें वेलवेट का कवर आपको जो है बैक सपोर्टेड मिलने वाला है इसमें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे बेड लगा हुआ है, तो आप चाहे तो पूरा फर्निश्ड यहाँ पर फुल फर्निश्ड आप ये फ्लैट भी ले सकते हैं। सिर्फ आपकी जो मैं कीमत बताने वाला हूँ उसमें आप जो है 1 से 1.5 लाख रुपए जोड़ के पूरा फर्नीचर भी यहाँ पर ले सकते हैं। दोनों साइड वार्डरोब आपको जैसे देख रहे हैं, दोनों साइड अलमीरा का वर्क आपको यहाँ पर मिलेगा। उस साइड में भी अलमीरा है, अगर उस साइड में दिखा दें तो वो नीचे की साइड में भी काफ़ी स्पेस है। नीचे जैसे देख रहे हैं एंटीक आइटम सजाएंगे, वहाँ पर आपका जो है LED फोकस लैंप लगाए जाएंगे। और नीचे की साइड में भी डबल ड्रॉर यहाँ पर जो है तैयार किए गए हैं, तो इसके अंदर आप कोई अपना सामान रखना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों वेंटिलेशन की बात कर लो तो यहाँ पर आपको विंडो का वर्क मिल जाता है इसमें। बाहर की साइड में आप देखेंगे तो इसमें ग्लास का वर्क यहाँ पर इस साइड में मिलेगा, और अंदर की साइड में इसमें आयरन की ग्रिल लगाई गई है। और ऊपर की साइड में अगर आप चाहें तो अपना कोई विंडो AC लगाना, वो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। और ऊपर की साइड में आपको जो है स्विच का ऑप्शन यहाँ पर AC के लिए मिल जाता है। उसके बाद बात आ जाती है हमारे बाथरूम की। ये हमारा जो है मास्टर बेडरूम के साथ जो है बाथरूम अटैच रहने वाला है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं शेल तैयार की गई है, उसमें भी फोकस लैंप लगाया गया है। नीचे में आपको यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इंग्लिश पॉट यहाँ पर भी लगी मिल जाती है। सैनिटरीफिचर लगना भी इंस्टॉल्ड होना बाकी है। बाकी आप वॉश फेसिंग आप देख रहे हैं तो यहाँ पर सैनिटरीफिचर इंस्टॉल्ड है। बाकी जो सैनिटरीफिचर्स हैं वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। और ये बाथरूम भी देखने के साथ बहुत अच्छा लगेगा। व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में इसमें गोल्डन ग्लास का वर्क सेंटर में दिया गया है, जिससे कि बाथरूम की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ जाती है। और अगर इसकी वेंटिलेशन की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसमें एक विंडो का ऑप्शन मिला है, तो यहाँ से जो है आपकी वेंटिलेशन पास होती रहेगी। यहाँ पर आपका एग्जॉस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये हो जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब सेकंड जो बेडरूम की बारी आ जाती है तो यहीं से निकलते हैं, बिल्कुल साथ में अटैच दूसरा बेडरूम भी आपका जो है बालकनी के साथ अटैच रहने वाला है। ये फुली वेंटिलेटेड फ्लैट, जैसे कि इंडिपेंडेंट फ्लैट होते हैं ना, वैसे ये पूरा वेंटिलेटेड फ्लैट आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपकी जो बालकनी इस साइड में अटैच मिलती है, मैंने आपको बताया कि दोनों साइड बालकनी है। तो यहाँ से हम बालकनी में आ जाते हैं, तो बालकनी का स्पेस सबसे पहले देख लेते हैं। काफ़ी अच्छी स्पेशियस और लंबी चौड़ी बालकनी आपकी जो है यहाँ पर रहने वाली है। SS की ग्रिल आपको जो है फ्रंट पे मिलने वाली है। फ्रंट साइड का आपका जो है ये फ्लैट रहने वाला है। इस रूम की जो वेंटिलेशन स्प्लिट AC का जो प्रोविज़न होगा वो यहाँ पर मशीन दी जाएगी। ऊपर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ACP शीट का वर्क आपकी जो है फ्लैट के बाहर की साइड में रहने वाला है। उसके बाद हम वापस अपने बेडरूम में आ जाते हैं। बेडरूम का जो साइज़ है, दोनों बेडरूम का साइज़ सेम रहने वाला है बिल्कुल। अगर मैं बता दूं वैसे साइज़ जो इसका जो क्या रहने वाला है तो फिर वीडियो आप जो है सारी यहीं पर रोक सकते हैं। लेकिन मैं इसका साइज़ आपको बताऊंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, उससे आपको जो है पूरे फ्लैट का प्राइस और पूरे फ्लैट का जो डायमेंशन है वो आपको देखने को मिलेगा। डबल बेड प्लेस करने के बाद साइडों में काफ़ी स्पेस, तब भी आप देख रहे हैं बैक साइड में इसमें भी वेलवेट का आपको जो है कवर मिल जाता है, और बीच में इसमें गोल्डन ग्लास का वर्क मिल जाता है जो कि आपकी बेड की बैक सपोर्ट को और भी खूबसूरत बना देता है। और इस साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पर वार्डरोब आपको देखने को मिलेगी। इसकी अगर हाइट की बात करूँ तो 10 फीट इसकी समथिंग हाइट रहने वाली है, और इसकी गहराई की बात करूँ तो इसकी जो गहराई है कम से कम 2.5 फीट रहने वाली है। और अगर चौड़ाई की बात करूँ तो चौड़ाई जो है कम से कम इसकी 3 फीट की रहने वाली है। काफ़ी अच्छी बड़ी चौड़ी आपको यहाँ पर अलमीरा भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद ऊपर हम देखते हैं अपनी फॉल सीलिंग, तो फॉल सीलिंग में यहाँ पर भी आप देख रहे हैं काफ़ी अट्रैक्टिव LED और कोव लाइट के वर्क के साथ आपको यहाँ पर भी फॉल सीलिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद इस वेंटिलेशन की बात करूँ इस बेडरूम की, तो आपने यहाँ पर देख लिया कि वैसे तो यहाँ पर जो है बालकनी अटैच है, बट यहाँ पर ये विंडो आपको मिल जाती है, नीचे की साइड में भी विंडो मिल जाती है। वेंटिलेशन में नेचुरल लाइट आपके दोनों बेडरूम में रहने वाली है। और इस साइड में देखेंगे तो लेडीज़ के लिए एक ड्रेसिंग टेबल यहाँ पर तैयार किया गया है, जिससे कि लेडीज़ यहाँ पर खड़े होकर तैयार हो सकती हैं, अपने श्रृंगार का सामान रख सकती हैं। उसके बाद बाहर की साइड में इनको ग्लास का वर्क देखने को मिलेगा, और नीचे की साइड में दो दो ड्रॉर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये देखा आपने हमारा 2BHK लग्जरी सुपर लग्जरियस आपका जो है ये फ्लैट 2BHK मिलने वाला है। प्राइस की अगर बात करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो है सोसाइटी फ्लैट रहने वाला है, और इसमें काफ़ी सारे जो है डिवाइडेड फ्लैट है आपका जो है लाइन वाइज बना हुआ, सारे ही फ्लैट इसमें जो है फ्रंट के रहने वाले हैं, पूरा होटल टाइप में बना हुआ है 2BHK आपको जो है मेन रोड के बिल्कुल साथ में रहने वाला है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, लिफ्ट प्लस कार पार्किंग के साथ आपका जो है इस फ्लैट का प्राइस जो रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 24 लाख रुपए। जी हाँ, 24 लाख रुपए में आपको जो है 60 गज का ये 2BHK बना हुआ फ्रंट साइड का लिफ्ट प्लस कार पार्किंग के साथ दोस्तों कहाँ मिलता है इतना सस्ता देखने को। और अगर इसमें बात करूँ कि अगर मैं 2-व्हीलर के साथ आप लेना चाहते हैं तो इसमें आपको जो है 23 लाख रुपए में मिल जाएगा। कार पार्किंग के साथ लेना चाहते हैं तो 24 लाख रुपए मिल जाएगा। हाँ, एक बात और मैं आपसे खास बता देता हूँ कि इसमें अगर आप टेरिस का कोई लेना चाहते हैं, जैसे कि ऊपर का पोर्शन आप लेना चाहते हैं टॉप फ्लोर का कार पार्किंग के साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो टॉप फ्लोर का आपका जो है ये फ्लैट मिल जाएगा 25 लाख रुपए का। और अगर
आप कार पार्किंग छोड़कर टू व्हीलर के साथ लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा आपको 24 लाख रुपए का। तो दोस्तों इतना सस्ता फ्लैट आपको जो है कहां पूरी दिल्ली में देखने को मिलेगा। दोस्तों आशा करता हूं आपको जो है वीडियो बहुत पसंद आएगी। दोस्तों बिल्कुल भी देर ना करें, जल्द से जल्द नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, अपना फ्लैट पर विजिट करें और अपने गृह प्रवेश की तैयारी करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।